तो कैसे आप लोग? मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भाई पहली बार सिंगापुर में आ रहे हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि सिंगापुर में किस तरह का वेदर है या क्या क्या सामान हमें लाना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि भाई जो न्यू कमर्स वर्क परमिट पर आ रहे हैं या एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। जो ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली मायने रखती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो सिंगापुर में पहले तो कमा नहीं सकते, तो उनका खर्चा ही होने वाला है। बट इस रियल है, देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जब हम अपने सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो मेन मेन यूनिवर्सिटी जो सिटी में वहाँ जाते हैं या सिटी से बाहर कहीं जाते हैं, तो भाई अभी हमें वहाँ रूम भी लेना पड़ता है, खाने का खर्चा होता है, कपड़े पहनने का खर्चा होता है, मौसम में क्या मेडिसिन का खर्चा। तो उसी तरह से आप देखो कि सिंगापुर में आप आ रहे हो पहली बार, तो आपको क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बहुत कॉस्टली है चीज़ें। अगर आप यहाँ इंडिया से आप आ रहे हो, अगर आपका 50 kg लगेज है और आप कुछ नहीं लाए उसमें, तो यहाँ आके बहुत खर्चा आपका होने वाला है, चाहे वो कोई सा भी। तो मैं आज को बताने वाला हूँ कौन कौन सी चीज़ें आप ला सकते हो जिससे आप सेविंग्स ज़्यादा कर सकते हो, एटलीस्ट 6 महीने आप चला सकते हो। और 6 महीने के बाद जब आपका वर्क परमिट या OJT वगैरह हो जाता है, आपके पास अर्निंग आ जाती है, तो उस पैसे को आप और भी यूटिलाइज करते हो। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा जो सिंगापुर आ रहा है पहले वेस्टेज मनी की ना करे, क्योंकि पैसों की वैल्यू, जिसने पैसों का कदर करा यार उसी पैसा भी उसी के पास आया, ये कहावत है। तो बताता हूँ स्टूडेंट पास के, बिना देरी करे बताता हूँ यार, स्टूडेंट पास जो आ रहे हैं उनका जो लगेज मेरे हिसाब से 30 kg होता है। मैं तो उम्मीद करूँगा कि भाई 20 kg और बढ़ा लो, 50 kg कर लो लगेज। अब लगेज में क्या क्या लाना है, सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोटी कपड़ा और मकान जिसे बोलते हैं। यही चीज़ें सिंगापुर में हमें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें व्यतीत करनी है, तो ये चीज़ें हम यहाँ से खरीदें या इंडिया से लाएं, तो मैं कहूँगा भाई इंडिया से आप ये चीज़ें लाएं, ताकि आप यहाँ 6 महीने तक कोई भी खर्चा ना करें, सिर्फ आपका यहाँ खर्चा होना चाहिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा और एजुकेशन की फ़ीस का, बाकी खाने पीने का काफ़ी सामान आप लाएँ ताकि आपका खर्चा पूरा बच सके। अब खाने पीने में भी क्या क्या है मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मौसम की बात, कपड़े। तो कपड़े जो इंपॉर्टेंट होते थे, वो कपड़े सिंगापुर का जो वेदर है होल ईयर्स में अगर मैं देखा जाए 21 डिग्री सेल्सियस मिनिमम एंड मैक्सिमम 34 डिग्री तक जाता है। तो एक 21 से 33 डिग्री टेम्परेचर तक, आप दिल्ली में अगर आप बात करो तो 45-50 तक भी पहुंच जाता है, तो एक नॉर्मल वेदर है, आपको कभी स्वेटर लेने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंगापुर आ रहे हैं तो अपने बैग में स्वेटर्स ना लाएं, सर्दी के कपड़े ना लाएं, एक हल्की सी जैकेट आप ला सकते हो जो कभी कभार आप मॉल वगैरह या एयरकॉन वगैरह में आप ट्रैवल करते हो, MRT वगैरह में ट्रैवल करते हो और ठंड लगती है, थोड़ा सा आप हल्की सी जैकेट बहुत छोटी सी हल्की फुल्की ला सकते हो, ऊनी कपड़े लाने की जरूरत नहीं है। तो आप बताता हूँ कपड़ों में क्या क्या ला सकते हो। आप फॉर्मल शर्ट्स ला सकते हो, 2 या 3 या 4 शर्ट्स ला सकते हो, जीन्स ला सकते हो, नॉर्मल फॉर्मल पैंट्स ला सकते हो। तो और आप अगर हमें उसकी बात करो कि भाई अभी वाइट शर्ट्स एंड टी शर्ट, आप थोड़ी पार्टी के लिए भी आप अगर आप घूमने जा रहे हो तो आप कुछ फैशन वाली शर्ट्स या फैशन टी शर्ट्स ला सकते हो, हैवी क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं है इधर, ठीक है। दूसरा बात करता मैं शूज़ की, भाई शूज़ मेरे हिसाब से आप 2 या 3 pairs एंड स्लीपर्स आप ला सकते हो, क्योंकि भाई अगर यहाँ स्लीपर की बात करूँ तो भाई $15 $20 $25 का स्लीपर है, तो आप हिसाब लगा लो इंडिया में हमारे पास 400-500 रुपये का हो जाता है। तो वो आप 2 स्लीपर ला सकते हो, 2 शूज़ ला सकते हो अच्छे, ताकि आप एक ब्लैक शूज़ लाओ और एक फॉर्मल लाओ। ब्लैक शूज़ आप कॉलेज वगैरह में भी अटेंड में कर सकते हो, पैंट्स फॉर्मल होनी चाहिए। दूसरा आप बेल्ट्स वगैरह ला सकते हो, बेल्ट के आप शौकीन हो तो बेल्ट ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो बेल्ट है $100 $200 तो बहुत महंगी है, ठीक है। अब खान अब लगाते हैं शैम्पू, आप ला सकते हो शैम्पू ऑयल, ये चीज़ें जो आप परफ्यूम ला सकते हो, और क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर बहुत कॉस्टली हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लानी है। खाने पीने की बात करो, खाने पीने में आप मसाले ज़्यादा ला सकते हो भाई, मसाले अब आप चना मसाला है, बिरयानी मसाला, कुछ इस तरह के मसाले, मैं चावल चीनी चावल की बात नहीं कर रहा, मसाले की बात कर रहा हूँ। आप नमकीन बिस्किट्स ला सकते हो अगर आप शौकीन हो तो, लेकिन मसाले आप प्लीज़ लाएं।
ताकि जो यूनिक मसालेज होते हैं, एट नॉर्मली तो आपको हल्दी मिर्च लाने की जरूरत नहीं, जो यूनिक मसाले जो आपका कभी कभी मन करता है तो मसाले आप जाके ला सकते हैं इधर, ताकि आप अपना मनपसंद का खाना यहाँ कुक कर सकते हैं। आटा, चीनी, चावल, तेल यहाँ पर इतना सस्ता है, आपको पाँच बहुत सस्ता है कंपेयर, इंडिया का रेट है तो वो लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लगेज टू हैवी हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, ऑयल, हेयर ऑयल ला सकते हैं, परफ्यूम ला सकते हैं। अब चलते हैं हम भाई और चीज़ें क्या, पढ़ाई के लिए क्या, भाई मैं तो ये कहूँगा कि आप नोटबुक, पाँच छः नोटबुक आप अपने नोटबुक लेके आए, पेन पेंसिल्स वगैरह ये सब ये चीज़ें अरेंज करके रखें, स्टेशनरी जिसे बोलते हैं, यहाँ आके ऑल वेस्टेज होगा, तो आप इतना स्टेशनरी का सामान लाएँ ताकि आप पढ़ाई कर सकें, नोट्स बना सकें। और यहाँ आके, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करें, आप लैपटॉप वहाँ से खरीदें ना, इंडिया सिंगापुर में एक कैरासोल वेबसाइट है, सेकंड हैंड बहुत सामान मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत सस्ता मिल जाता है यहाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर आप कंप्यूटर परचेज करना चाहते हैं बेहतर सिंगापुर से खरीदें, सस्ता भी मिल जाएगा सेकंड हैंड, और यहाँ की जो सेकंड हैंड क्वालिटीज़ अपने इंडिया से बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर जो सिंगापुर का जो कल्चर है वो सेकंड हैंड आइटम्स को बहुत जल्दी रिप्लेस करता है, मीन्स टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो आप अपना सेकंड हैंड बहुत अच्छा लैपटॉप वगैरह यहाँ से खरीद सकते हैं, इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और जो ये बातें बता रहा, अब आता है रूम रेंट, तो भाई रूम रेंट तो आप शेयरिंग में आप करें, ताकि रूम रेंट आपका डिवाइड थोड़ा, अब एक बात और, अगर खाना बनाने की बात करता हूँ तो भाई यहाँ पर फ्रिज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, छः बंदे आप एक एक करके ना कुक करें, छः बंदे मिलके एक साथ कुक करें, आप अपना हिसाब लगाएंगे तो महीने का $50 से ऊपर नहीं आने वाला है, तो ये खर्चा है। तो मेरे हिसाब से अगर ये चीज़ें आप पूरी अरेंज करके लाएंगे तो भाई स्टेशनरी का सामान, कपड़े लगते, भाई सर्दी कंबल वगैरह लाने की जरूरत नहीं है, सर्दी नहीं पड़ती है, हल्की सी मैट्रेस है वो आप खरीद इंडिया से भी ला सकते हैं, बहुत हल्की सी, यहाँ रजाई इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, तकिया आप या पिलो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, लेकिन एक ब्लैंकेट आप ला सकते हैं, और यहाँ से $30-40 का एक सोफ़ा टाइप का बेड आपको मिल जाता है, ठीक है, गद्दा जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो मैं बता, स्टेशनरी का सामान, कपड़े आपको बता ही दिए मैंने, और परफ्यूम और खाने पीने का सामान, इस यूनिक मसाले, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा चैनल पर, और लड़कियों के लिए भी यही है भाई, लड़कों के लिए भी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जो स्टूडेंट आ रहे हैं करीब 6 महीने तक, वो खर्चा ना करें, अपना पूरा खाने पीने का सामान जिसे ला के यहाँ पर, बस आटा, चावल, चीनी, नमक, तेल, ये पाँच चीज़ें खरीद लो, मसाले वगैरह इधर है, सब्जी यहाँ से मिली जाती है, ठीक है, रोटियों का भी बात बता, NTUC में पैकेट आता है रोटियों का, 30 रोटियों का, आपको कुछ बनाने की भी जरूरत नहीं है, 30 रोटियों का $6 का होता है, तो भाई 4-5 दिन वो भी चल जाता है, तो कहने का मतलब अगर आप ढंग से खर्चा करेंगे, एक महीने का $50-60 खाने का आएगा, तो $60 आपका खाने का खर्चा हो जाएगा, अगर आप कुक करके बताएंगे खाएंगे ग्रुप में, ठीक है, तो $60 खाने का हो गया, $20 या $25 आपका इंटरनेट का खर्चा हो गया, $20 आपका ट्रांसपोर्टेशन, या $30 आप 30-40-60 आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, तो भाई आपका कुल मिला के जो खर्च, और एकोमोडेशन का 250 से 300, तो कुल मिला के आपका $400 में, 400 या 450 डॉलर्स में सारा कुछ काम होने वाला है। तो अब अगर, क्योंकि अगर आप चाहो तो $1,000 भी आपके पास बहुत मुश्किल से पूरे नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से चलोगे तो भाई $400 से $500 में आपका खाना पीना रहना सब हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें आप इंडिया से ब्रिंग करके। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।